और निशांत जी, क्या चल रहा है आजकल, क्या फिल्में चल रही हैं? भैया अभी मैंने दो फिल्में बनाई हैं। पहले तो विवाह 2 की सफलता एंजॉय कर रहा हूँ, जो पिछले साल काफ़ी अच्छी चली थी। और अभी दो फिल्में बनाई है, एक निरहुआ जी को लेके माई, निरहुआ अमरपाल जी को, जिसका डायरेक्टर है रजनीश मिश्रा जी, और दूसरी एक मुझे कुछ कहना है, अनंजल अरोड़ा डायरेक्टर हैं, उसमें प्रदीप पांडे चिंटू और काजल अगवानी, इन दोनों फिल्में पोस्ट पर हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, जल्द ही बल उसका ट्रेलर फर्स्ट लुक वगैरह लॉन्च किया गया। निरहुआ की जो फिल्म है माई, ये कब तक आ सकती है निशांत जी? ये इस साल ही, मतलब जून जुलाई में आ जाएगी। जी, जून जुलाई तक रिलीज हो जाएगी। अच्छा, और कोई फिल्म है जो आपकी जाने वाली है? अभी है, अभी 2-3 फिल्में ऑल फ्लोर पर हैं, जिसके बारे में अभी चल रहा है, तो उसके बारे में बात करना बहुत अर्ली होगा। एक बार ये फिल्मों का हो जाए, उसके बाद उसके बारे में बातचीत करें। सिनेमा हॉल के लिहाज से, सिनेमा में कमाई के हिसाब से, कलेक्शन के हिसाब से, भोजपुरी में सबसे बड़ा स्टार कौन है? कौन सा ऐसा स्टार है जिसकी फिल्में इनमें सबसे ज्यादा बिजनेस करती है? अभी फिलहाल सभी स्टार, किसी स्टार का कलेक्शन 5 लाख से ऊपर नहीं है, किसी भी स्टार का। बिहार के सिनेमाघरों में बिजनेस की स्थिति बहुत ख़राब है, पिछले साल तो कुछ था भी, इस साल ऑल गड़बड़ हो गया है। उसके लिए अच्छी फिल्में और कहीं ना कहीं हम लोग को उस पर सबों को गहन चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर बाहर के लोगों की फिल्में बहुत चल जा रही हैं, हमारी फिल्में क्यों नहीं चल रही, उसका क्या कारण, उस पर चिंतन करना चाहिए। थैंक यू सर, बातचीत के लिए। ओके।